हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों ने अनुपात एवं समानुपात का क्रम पूरा ख़त्म कर लिया था और हम बता दिए कि अगला पाठ हम शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो अनुपात एवं समानुपात का जो क्रम कंप्लीट किया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो उसी से संबंधित ये जो पाठ है साझेदारी के बारे में, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अनुपात एवं समानुपात का जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखा था उसी पे आधारित ये चैप्टर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि कैलकुलेशन तो होगा उसी आधार पे, लेकिन इसका समझने का तरीका थोड़ा उससे अलग है। कैसे हम समझेंगे, किस प्रकार से हमको हल करना है, उन सारी चीज़ों को हम डिस्कशन तो करेंगे ही। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, इसमें कौन कौन सा मुख्य बिंदु है, इसमें समझने का चीज़ क्या क्या है, वो सारे डिस्कशन आज हम आपसे करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साझेदारी क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे कंपटीशन में एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता ही है। और ये इजी पार्ट है, बस थोड़ा सा आपको समझने भर देरी है। अगर आप समझ गए हैं तो ये पार्ट बहुत ही ईजी है, उसी पर आधारित चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात पे। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। साझेदारी, जैसा कि नाम से ही थोड़ा क्लियर हो रहा है, साझेदारी क्या होता है? साझेदार, आप लोग समझे होंगे, समझते होंगे कि साझेदारी क्या होता है। साझेदारी, जैसे इंग्लिश में से हम पार्टनर कहते हैं, पार्टनर का मतलब होता है एक प्रकार का दोस्त, लेकिन यहाँ पे उस तरह के दोस्त की बात नहीं है। यहाँ पे दोस्त सिर्फ बिजनेस या व्यापार से संबंधित दोस्त होगा, जहाँ बिजनेस में दोस्ती से कोई मतलब नहीं होता है। बिजनेस में सिर्फ यहाँ पे लाभ से मतलब होगा और काम से मतलब होगा। तो साझेदारी का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपना व्यापार शुरू करता है या कोई बिजनेस शुरू करता है, तो उसमें एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित पूंजी जो है वो क्या करता है, लगाता है व्यापार में। तो जब निश्चित समय के लिए लगा दिया तो कुछ ना कुछ लाभ होगा या कुछ ना कुछ हानि होगा, तो उसी को क्या करता है कि एक दूसरे से बांट लेता है। तो जब एक दूसरे से बांटता है तो कुछ ना कुछ लाभ होता है या फिर हानि होता है। तो इस प्रकार के पार्टनर को क्या कहेंगे हम, पार्टनरशिप कहेंगे, साझेदारी हम कहेंगे। तो समझ गए हैं साझेदारी के बारे में। साझेदारी के बाद हम समझेंगे पूंजी। पूंजी भी आप लोग समझते होंगे, जिसे कहते हैं कैपिटल इंग्लिश में। पूंजी का मतलब कि जब व्यक्ति किसी व्यापार या बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी अपना खर्च करता है रुपया, उसी रुपया को क्या कहते हैं हम, पूंजी कहते हैं। वो पूंजी अपने मन से लगाया जाता है, जितना भी मन हो उतना अपना पूंजी व्यापार में लगाता है, तो उसको हम कहते हैं कैपिटल इंग्लिश में। उसके बाद हम समझेंगे समय। क्या होता है समय? जैसे कोई व्यक्ति है, अपना पूंजी लगा दिया तो एक निश्चित समय के लिए लगाया, वो समय चाहे साल भर का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो या 6 महीना का हो, कितना भी समय के लिए वो लगा दिया। तो एक निश्चित समय के लिए जब वो पूंजी लगाता है तो वही पूंजी जो एक निश्चित समय के लिए लगा, वह समय उसके लिए क्या कहलाता है, ओरिजिनल समय कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है श्याम, उन्होंने 50,000 रुपया क्या किया, एक व्यापार में लगा दिया, और मान लीजिए कि वो 1 साल के लिए व्यापार में लगाया है, तो 1 साल के लिए जो वो पूंजी लगाया है वही पूंजी क्या कहलाता है, वो तो उसका पूंजी हो गया, लेकिन 1 साल के लिए जो लगाया वो क्या कहलाएगा, समय कहलाएगा। तो समय का मतलब यही हुआ कि कितना पूंजी कितना समय के लिए लगाया गया वही उसका रियल टाइम कहलाता है। ये तीनों पॉइंट समझ गए हैं। उसके बाद हम इसमें जानेंगे पार्टनर जो होता है वो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से।
दो प्रकार का पार्टनर, एक होता है सक्रिय पार्टनर, एक होता है अक्रिय पार्टनर। सक्रिय पार्टनर का मतलब सक्रिय साझेदार, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है कि वह साझेदार जो है बिजनेस में अपना योगदान दे रहा है, मतलब कुछ काम भी वो कर रहा है, उसका पूंजी तो लगा हुआ है ही, साथ साथ वो काम भी कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं सक्रिय साझेदार। और जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, सिर्फ अपना पूंजी इन्वेस्ट कर दिया है, तो वैसे पार्टनर को हम कहते हैं अक्रिय साझेदार। लेकिन दोनों का जो लाभ होता है, सक्रिय साझेदार और अक्रिय साझेदार का, ये दोनों का लाभ अलग अलग होता है। वो लाभ क्या होता है, तो वो व्यापार करते समय एक दूसरे पर निर्भर करता है, को किस प्रकार से एक दूसरे के बारे में समझता है। सक्रिय साझेदार का मतलब हुआ, वो कह देगा कि हम अगर काम करेंगे अतिरिक्त तो उसका लाभांश हमको अतिरिक्त मिलेगा। अक्रिय साझेदार को हो सकता है लाभ मिले, या पूंजी जिस हिसाब से लगाया है उस हिसाब से इसको लाभ मिलेगा। तो ये सारी बात आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह से और क्लियर होगा। तो आप मात्र यहाँ पर ये सारे पॉइंट था समझने के लिए। एक मेन इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट, जो कि उसी पर आधारित ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा, वो क्या है, आइए समझते हैं उसके बारे में। मान लीजिए कि तीन व्यक्ति है, ए बी सी। ये तीन व्यक्ति है ए बी सी। व्यक्ति ए जो है, मान लिए कि एक्स रुपया लगाया है, व्यक्ति बी जो है वाई रुपया लगाया है, और व्यक्ति सी जेड रुपया को क्या किया है, एक व्यापार में तीनों इन्वेस्ट किया है। ए किया है एक्स रुपया, बी किया है वाई रुपया, सी किया है जेड रुपया खर्च। ठीक है, फिर तो ये हो गया पूंजी का अनुपात। ये क्या हो गया, पूंजी का अनुपात। ठीक है, फिर मान लिए कि ए जो है T1 समय के लिए, बी जो है T2 समय के लिए, और सी T3 समय के लिए पूंजी को क्या किया है, व्यापार में इन्वेस्ट किया है। तो पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है, पूंजी और समय का जो गुणनफल होता है, वही होता है लाभ का अनुपात। वही क्या होता है, लाभ का अनुपात। तब इसको हम लिख सकते हैं, ये लाभांश का अनुपात, लाभांश का अनुपात। तो लाभांश का अनुपात जब भी आपको लिखना है, तो हमेशा यही करना होगा कि पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात। क्या लिखना है हमें, पूंजी और समय के गुणनफल, पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात जब हम लिखते हैं, तो वही होता है लाभांश का अनुपात। तो पार्टनरशिप में हमेशा हमको सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना पूंजी कितना समय के लिए इन्वेस्ट किया, वही हम क्या करते हैं, पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात हमेशा हम लिखने का कोशिश करते हैं। पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात जब हमें लिख लेते हैं, तो हम अलग अलग सबका लाभ भी हम क्या कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। तो आपको मेनली यहाँ पे यही समझना है कि पूंजी और समय के गुणनफल हमेशा लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को आप कॉपी में डिनोट कर लीजिए, इसमें कोई खास विशेष चीज है नहीं। अब हम आपको क्वेश्चन को लेकर के समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को टोटल हल करेंगे। हम बता चुके हैं कि बुक के एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे आपको हल करके बताएंगे। आप सॉल्यूशन को समझिए बढ़िया से, उसको कॉपी में लिखिए, और जब हम बता दें उसके बाद आप अपने मन से उसको बनाने का प्रयास कीजिए, और देखिए कि आपसे वो बनता है या नहीं। अगर नहीं बनता है, तो आप उसको फिर से वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ को पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तब आप क्या कीजिए, बुक को उलटिए और ये साझेदारी वाला चैप्टर उलट करके अपने पास रखिए और क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरह से। पढ़ने के बाद तब सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए और स्थिरता से एक एक करके सीखते जाइए। अच्छी तरह से हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लिख लीजिए इसको। चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। पार्टनरशिप का पहला प्रश्न क्या है? यह है एक्सरसाइज 13A। एक्सरसाइज 13 का ए पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी का। नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 तथा 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1.5 लाख के लाभ में से मीना का लाभ कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो बस हमेशा पार्टनरशिप में यही हमें ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति कितना पूंजी कितना समय के लिए लगा रहा है, तो हम पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो हमेशा लिखेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे, स्थिर से समझिएगा। व्यक्ति है नीना और मीना, इस प्रकार से नाम का हम शॉर्टकट लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों ने कितना कितना पूंजी लगाया है। ये पूंजी लगाया है 30,000। ये पूंजी कितना लगाया है? 30,000 नीना, और मीना कितना लगाया है? 45,000। दोनों ने इतना इतना पूंजी लगा दिया। जब दोनों ने इतना इतना पूंजी लगाया, तब हम सोचेंगे कि दोनों ने कितना कितना समय के लिए पूंजी लगाया। तो दोनों के समय का हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करके, दोनों के समय का क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखते हैं कि दोनों ने कितना कितना समय के लिए इन्वेस्ट किया है। प्रश्न में कहा गया कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष के बाद टोटल लाभ कितना होता है? 150,000, अर्थात 1.5 लाख। इतना टोटल लाभ हो रहा है कब? 2 वर्ष में। 2 वर्ष का लाभ, 2 वर्ष का लाभ है कितना? 150,000। गौर कीजिएगा, नीना और मीना ने जो पूंजी लगाया वो 2 वर्ष के लिए लाभ मिला कितना? 1.5 लाख। इसका मतलब यही हुआ कि इसका भी पूंजी 2 साल के लिए लगा रहा और इसका भी पूंजी 2 साल के लिए लगा रहा। कोई डाउट? दोनों का पूंजी सेम समय के लिए लगा रहा। तो यही था पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात। तो ये क्या दर्शाता है? लाभांश का अनुपात। किसका अनुपात? लाभांश का अनुपात। तो यहां से कॉमन फैक्टर हटा देते हैं। अनुपात एवं समानुपात में हम जान चुके हैं कि प्रत्येक पद में अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे हटा दो। तो यहां पे देखते हैं कि 3 जीरो यहां से, 3 जीरो यहां से कट गया। 2 कॉमन फैक्टर है, 2 हट गया। तो यहां से 30 और 45, यानी कि 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3। ये जो 2 अनुपात 3 मिला, इसका मतलब ये हुआ लाभांश का अनुपात। अर्थात मीना को अगर 2 रुपया लाभ मिलेगा तो मीना को कितना रुपया लाभ मिलेगा? 3 रुपया लाभ मिलेगा। तो अब हम अनुपात के दृष्टिकोण से अगर सोचें तो टोटल लाभ दोनों का, नीना और मीना का टोटल लाभांश 5, 3 2 5, टोटल लाभांश दोनों का 5 अनुपात में, लेकिन संख्या में दोनों का टोटल लाभ कितना? 150,000। तो दोनों इक्वल हो गया, ये कटेगा 5 से 5 तिया 15, ये 4 जीरो ज्यों का त्यों नीचे आ जाएगा। यानी कि अनुपात वन का मान इतना मालूम हो गया। अब इसी अनुपात वन के मान से अलग अलग गुना कर देंगे तो सबका अलग अलग हिस्सा मिलेगा, अर्थात सबका अलग अलग लाभांश हमको पता चल जाएगा। 3 गुना 30,000।
तो ये हो गया 3 दूनी 6 पर 4 जीरो, और यहाँ पे 3 3 9 पे 4 जीरो। हमें यहाँ पे पूछा किसका जा रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है मीना का भाग बताइए, तो मीना का भाग कितना, 90,000, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं। कोई डाउट समझने में कहीं भी? पूंजी और लाभ के अनुपात, सॉरी, पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात होता है वही होता है लाभ का अनुपात। लिख लीजिए इसको अच्छी तरह से। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए पहले आप लोग। क्या करें, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। मिथिलेश ने 48,000 निवेश करके एक व्यापार को शुरू किया। मिथिलेश को मान लेते हैं एम से। मिथिलेश टोटल कितना रुपया लगाया है, 48,000 निवेश करके व्यापार को शुरू किया है। मिथिलेश ने व्यापार शुरू कर दिया 48,000 रुपया लगा करके। 7 महीना के बाद 56,000 की पूंजी लगा करके विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी बन गई। विद्या जो साझेदारी बनी वो कब बनी, 7 महीना के बाद। आगे फिर कहा वर्षांत में कुल 5,885 रुपया के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों के पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो लिखने का काम हम लोग करेंगे। मिथिलेश ने पूंजी लगाया 48,000, विद्या को मान लेते भी से। विद्या ने कितना पूंजी लगाया, विद्या लगाया है पूंजी 56,000। विद्या पूंजी कितना लगाया है, 56,000। ठीक है, ये तो पूंजी का अनुपात हो गया। अब हम दोनों का देखेंगे कि दोनों ने आखिर कितना कितना समय के लिए पूंजी को लगाया है। प्रश्न में कह दिया कि वर्षांत में, वर्षांत में मतलब ये हुआ कि साल के अंत में, वर्ष के अंत में, वर्ष मतलब 12 माह, यानी 12 माह के अंत में टोटल लाभ 5,885 मिलता है। 5,885, ये लाभ कितना महीना का है, 12 माह का। वर्षांत का मतलब 12 महीना का लाभ, 5,885। तो दोनों का पूंजी कितना कितना समय के लिए लगा रहा, आप इस पे गौर कीजिएगा। मिथिलेश का पूंजी जो है वो 12 महीना के लिए लगा रहा था, क्योंकि इन्होंने व्यापार शुरू किया था, व्यापार शुरू किया तो ये 12 ही महीना रहा व्यापार में। ठीक, विद्या जो है 7 महीना के बाद व्यापार में शामिल होती है, तो 12 महीना में से 7 महीना के बाद वो व्यापार में शामिल होती है, तो मात्र 5 महीना ही व्यापार में रहती है। तो वो 5 महीना व्यापार में रहती है, तो जितना महीना व्यापार में रहेगी उतने महीना का उसको लाभ मिलेगा, अर्थात ये 5 महीना का लाभ लेगी। तो यही हुआ पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात, और ये अनुपात होता है हमेशा किसका, लाभांश का। बस अब कुछ हमको करना ही नहीं है इसमें, अब अनुपात के मेथड से इसको हल कर लेना है। कॉमन फैक्टर 3 जीरो है यहाँ पर, हटा दीजिए। उसके बाद देखते हैं कि कटता है या नहीं। 7 8 56, 6 8 48, 12 6 72, 7 5 35। कोई दिक्कत समझने में? अब दोनों का टोटल लाभ अनुपात में कितना, 5 2 7 7 3 10, दोनों का टोटल लाभ अनुपात में 107, लेकिन वही लाभ अनुपात संख्या में कितना, 5,885 रुपया है। यहां से ये शायद 55 बार में कट जाएगा टोटली, तो अनुपात 1 का मान कितना, 55, 55। अब इसी 55 से अलग अलग बारी बारी से गुना कर दीजिए तो सबका हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है हमें कि विद्या का लाभ क्या होगा, तो 35 गुना 55 कर दीजिए। 25 25 का 5 बाकी 2, 5 3 सॉरी 5 3 15, अब 25 25 25 5 3 10 40 2 42 2 बाकी 4, 5 3 15 4, 1,925 रुपया हो गया टोटल लाभ, जो कि विकल्प सी में मिल रहा है।
ये है लाभ विद्या का। कोई डाउट समझने में? कोई डाउट नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा पढ़िए। समझने में अगर डाउट है तो फिर से अच्छी तरह से इसको वाच कीजिए। बस हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमेशा पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो हमेशा लिखने का काम हम लोग करेंगे। कोई भी पूंजी कितना महीना के लिए हमेशा लगाता है यही सोचना है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5:6 के अनुपात में पूंजी लगा करके ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करता है। पहला सेंटेंस है ये कि ए और बी कोई व्यक्ति है, उन्होंने पूंजी जो लगाया है वो 5:6 के अनुपात में लगाया है। अर्थात ए अगर 5 रुपया लगाया है पूंजी में तो बी 6 रुपया लगाया है। चलिए आगे फिर पढ़ते हैं। 8 महीना के बाद ए अपना पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीना के बाद क्या करता है? ए अपना पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब ए व्यापार में मात्र 8 महीना ही शामिल रहता है। तो जितना महीना शामिल रहेगा उतने महीना का लाभ मिलेगा। तो 5 × 8 यानी पूंजी और समय के गुणनफल। अब बी के बारे में क्या करें आगे पढ़ते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो, का वर्ष के अंत में जो लाभांश है वो लाभांश 5:9 के अनुपात में, ये है किस चीज का लाभांश? ये जो अनुपात है ये लाभांश का अनुपात है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की, बी अपना पूंजी कितना समय के लिए निवेश कर किया यही हमसे पूछ रहा है। बी पूंजी लगाया 6, लेकिन कितना समय के लिए लगाया ये हमें मालूम नहीं है। मान लिया कि वो टी समय के लिए लगाया। तो पूंजी और समय के गुणनफल का जो ये रेशियो लिखते हैं, ये रेशियो किस चीज का होता है? ये रेशियो हमेशा होता है लाभांश का। तो ये भी लाभांश का रेशियो और ये भी लाभांश का रेशियो, दोनों रेशियो हो गया बराबर। अब हम समानुपात के बारे में जानते हैं कि जब दो अनुपात बराबर हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। तो ये जो टर्म हम लिखे हुए हैं ये समानुपात का चीज है, और आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि समानुपात के पद को कैसे हल करते हैं। बाहर वाला को बाहर वाला से गुना कर दीजिए, 8 × 5 = 40 × 9, 40 × 9 बराबर 6 × t और 5। अंदर वाला को अंदर वाला से गुना कर देंगे तो 5 × 5 = 40, 3 × 9 2 × 6, 2 × 8 4 × 12 बराबर टी। अर्थात टी कितना? 12 माह। कितना महीना? फिर टी हो गया 12 महीना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टी माह के रूप में माने हुए हैं, क्योंकि ये 8 महीना के रूप में है। तो कहने का मतलब बी का जो पूंजी रहा वो कितना महीना के लिए रहा था? टी का भी पूंजी 12 माह के लिए ही लगा रहा, अर्थात साल भर के लिए पूंजी बी का भी लगा रहा। तो आंसर होगा विकल्प डी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक ये भी है, अगर हम हल नहीं भी करना चाहते तो आंसर आ जाता। कैसे आ जाता जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा था कि 8 महीना के बाद ए शामिल होता है और वर्ष के अंत में लाभ बांट लेता है 5:9 के अनुपात में, लेकिन यहाँ पे जिक्र जरा से भी नहीं था कि बी पूंजी निकालता है या नहीं। ऐसा बात नहीं था, बी का पूंजी वर्ष के अंत तक लगा रहा। इस सेंटेंस से यही क्लियर हो रहा है कि वर्ष के अंत में जो लाभ बांट रहा है 5:9 के अनुपात में, यानी कि बी का पूंजी अंत तक लगा रहा। अंत तक लगा रहा इसका मतलब कब? साल भर तक लगा रहा, और साल भर का मतलब 12 महीना तक लगा रहा, अर्थात आंसर हो जाता 12 महीना। बस हम यहां से भी सोच सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर का पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा। हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। हेमंत को एच से डिनोट करते हैं। हेमंत कितना रुपया खर्च किया है? 50,000। ठीक है, 50,000 इन्वेस्ट किया है और व्यापार शुरू किया है। 8 महीना के बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में शामिल हो जाता है।
संदीप कितना रुपया लगा करके शामिल होता है? 70,000। ठीक है, लेकिन ये पूंजी लगाता है 8 महीना के बाद, शामिल हो गया संदीप। 3 वर्ष के बाद लाभ को किस अनुपात में बांटा जाना है? 3 वर्ष, 3 वर्ष का मतलब महीना कितना हो गया? 12 तिया 36 महीना। टोटल टाइम कितना है? 36 माह। कितना महीना? इसी 36 महीना में लाभ बांटना है। तो जो जितना समय के लिए व्यापार में रहेगा उतने समय का पूंजी उसका व्यापार में रहेगा और लाभ भी उसको उतना ही समय के लिए मिलेगा। तो हेमंत का पूंजी जो है वो 3 साल तक लगा रहा था, 3 साल तक लगा रहा, इसका मतलब ये टोटल 36 महीना व्यापार में रहा हेमंत। तो इसका लाभांश ये होगा। और संदीप, संदीप जो है 8 महीना के बाद 70,000 लगा करके शामिल हुआ था, 8 महीना के बाद शामिल हुआ। तो 36 महीना में से 8 महीना के बाद संदीप शामिल हुआ था, तो टोटल कितना समय के लिए रहा? ये मात्र 28 महीना के लिए रहा, क्योंकि 8 महीना के बाद शामिल हुआ था तो मात्र 28 महीना के लिए संदीप रहा। तो ये भी पूंजी और समय का गुणनफल, और ये भी पूंजी और समय का गुणनफल का जो यही रेशियो होगा, यही रेशियो किसका होगा? लाभांश का। बस कुछ करना ही नहीं, हमेशा पूंजी और समय का गुणनफल हमेशा लिखना है। तो इसको शॉर्ट कर लीजिए, यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 9 चौका 36, 7 चौका 28। तो ये 9 पचे 45, 7 सते 49, इसी अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, विकल्प ए इसका आंसर हो जाएगा। इस अनुपात में लाभ बांटेगा, इसका मतलब हेमंत को अगर 45 रुपया लाभ होगा तो वहीं संदीप को कितना रुपया लाभ होगा? 49 रुपया। कोई डाउट समझने में नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, 5 नंबर का। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आप लोग समझते जाइए, बस आपका एक बार समझना जरूरी है। जब आप एक बार में ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको कभी भी ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 5 नंबर का। पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लिया कीजिए, तब फिर वीडियो को चला करके उसका सोल्यूशन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश, सुनील और अनिल, हम शॉर्ट नाम सबका लेते हैं, प्रकाश, अनिल और प्रकाश, सुनील तथा अनिल, प्रकाश, सुनील और अनिल, ये 3 व्यक्ति हैं ना। चलिए, ये कहा 11 लाख क्रमशः, मतलब कि प्रकाश 11 लाख और ये 16.5 लाख और ये 8.25 लाख रुपया निवेश करके तीनों क्या करता है? एक व्यापार को शुरू कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपया था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना होगा? तो सबसे पहला काम अनिल का भाग मालूम कीजिए कितना होगा, तब उसका 50% हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूंजी और समय के गुणनफल का रेशियो लिखेंगे। तो लिखते हैं, ये तो सबका पूंजी हो गया। अब हम तीनों का देखेंगे कि तीनों कितना समय के लिए पूंजी को इन्वेस्ट किया है। कहा क्या कि 3 साल के अंत में लाभ बांटा जा रहा है, इसका मतलब तीनों का 3-3 साल व्यापार में शामिल रहा गया। ये भी 3 साल रहा, ये भी 3 साल रहा, ये भी 3 साल रहा। तो जब 3 से गुना कीजिएगा तो यही हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जब भी समय अगर सेम हो जाए सबका, सब व्यक्ति का अगर सेम समय रह जाए, तो समय से अगर नहीं भी गुना कीजिएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समय यहाँ पे सबका कॉमन हो जाएगा और कॉमन फैक्टर को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहां से कॉमन फैक्टर को क्या किया, हटा दिए, तो भी ये क्या दर्शाएगा, लाभ का अनुपात। ये क्या दर्शाएगा, लाभांश का अनुपात, क्योंकि हमने टाइम को सबको हटा दिया, क्योंकि टाइम सब में 3 वर्ष कॉमन था और कॉमन फैक्टर को क्या करते हैं, अनुपात के नियम से कॉमन फैक्टर को हटा देते हैं। तो यहां से दशमलव हटाएगा बट्टा में 10, यहां से दशमलव हटेगा बट्टा में 100।
चलिए काटते हैं इसको, कैसे कटेगा? 2 पचे 10, 33 पचे 165, 4 पची सही है, 33 पची सही है, 825। तो ये हो गया 11 अनुपात 33/2 अनुपात 33/4। ये भी सब में कॉमन फैक्टर है, क्योंकि यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, तो 11 तिया 33, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे 3/4। एलसीएम क्या होगा? 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3। तो यही हो गया लाभांश का अनुपात, अर्थात प्रकाश को अगर 4 रुपया लाभ होगा तो सुनील को 6 रुपया लाभ होगा और अनिल को 3 रुपया लाभ होगा। तो तीनों का अगर टोटल लाभ हम कहें तो 6 4 10 3 13, तीनों का टोटल लाभ अनुपात में 13, लेकिन संख्या में टोटल लाभ है 19.5 लाख। तो अनुपात 13 बराबर 19.5 लाख, दशमलव हटाना है तो बट्टा में 10 आएगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 15/10। जब 15/10 से अनिल वाला भाग में गुना करेंगे, 3 गुना 15/10, तो 15 तिया 45/10, ये हो गया अनिल का टोटल लाभ 45/10 लाख। लेकिन हमें आंसर लाना था का अनिल का जो भाग हुआ उसका 50% कितना होगा, हमें ये बताना है। तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, तो काट दीजिए, 45/20 होगा। तो ऐसे भी हम रख सकते 10 गुना 2, 45 का मतलब हो गया 2 से जब भाग दीजिएगा 45 में तो 22.5, 22.5/10। तो ये हो गया 2.25 लाख रुपया, यही हिस्सा हो जाएगा किसका? ए का, यानी कि अनिल का 2.25 लाख, जो कि विकल्प बी में मिल रहा है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए फट से, 6 नंबर का। कुछ है ही नहीं, बस इसमें आपको धैर्य दिखाना पड़ता है। अगर आप धैर्य के साथ बढ़िया से पढ़ लिए तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। अगर यहीं पर आप धैर्य खो दीजिएगा, आपको बोरिंग लगने लगेगा, तो फिर आप कैसे सीखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर का पढ़ते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग ट्राई कीजिए कि आपसे बनता है या नहीं। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। गौतम ने 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, गौतम को जी से डिनोट करते हैं, और ये व्यापार में कितना रुपया लगाया है? 60,000, ठीक है भाई। 8 महीना के बाद 35,000 निवेश करके जतिन व्यापार में शामिल हो जाता है। जतिन कितना रुपया खर्च करता है? 35,000, और ये जो 35,000 लगाया है ये 8 महीना के बाद, 2 वर्ष के बाद हमें लाभ बांटना है। 2 वर्ष के अंत में टोटल टाइम कितना है? 2 वर्ष, और 2 वर्ष का मतलब हो गया 24 महीना। कितना टाइम है टोटल? 24 महीना। अब हम देखते हैं कि 24 महीना में से दोनों का टाइम क्या क्या है। गौतम जो है शुरू से अंत तक व्यापार में रहता है, क्योंकि व्यापार को शुरू वही करता है, तो 2 साल के लिए व्यापार में ये शामिल रहा, इसका मतलब ये 24 महीना व्यापार में रहा। और जतिन, जतिन जो है 8 महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ था, तो 24 महीना में से 8 महीना के बाद जतिन व्यापार में शामिल हुआ, तो ये व्यापार में मात्र रहा कितना महीना? 16 महीना। तो यही हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात, जो कि क्या कहलाता है? लाभांश का अनुपात। तो यहां से कॉमन फैक्टर 3 को 0 से 3 को 0 कट गया, 3 8 24, 2 8 16
कटेगा, और 2 से 30 दूनी 60, 7 पचे 35, 6 पचे 30, 6 तिया 18 अनुपात 7, 18 अनुपात 7, यही हो गया लाभांश का अनुपात जो कि विकल्प डी में मिल रहा है। छह का बाद पढ़िए सातवां क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए आपसे सात बनता है यानी 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया है। सरिता को एस से डिनोट करते हैं और ये कितना खर्च की है, 50,000। सरिता ने 50,000 खर्च करके एक ब्यूटी पार्लर को शुरू करती है, बुटीक का मतलब वही ब्यूटी पार्लर, और 6 महीना के बाद 80,000 का निवेश करके नीता उसकी साझेदारी हो गई। नीता फिर आई है, कितना खर्च कर रही है वो, 80,000, ठीक है फिर। और अंत में कहा कि एक वर्ष के अंत में टोटल महीना कितना, 12 महीना। अब हम यही देखेंगे कि 12 महीना में से सरिता कितना महीना रहता है और नीता कितना महीना ये व्यापार में रहती है। तो सरिता तो शुरू से अंत तक रहती है यानी कि 12 महीना ये रही, और नीता 6 महीना के बाद शामिल होती है, तो 12 महीना में से 6 महीना के बाद शामिल हुई है तो मात्र 6 महीना ये व्यापार में रही है। तो 6 महीना नीता रही है और 12 महीना सरिता रही, तो यही पूंजी और समय के गुणनफल का जो ये अनुपात होगा, यही अनुपात होगा किस चीज का, लाभांश का। तो हमें पूछा जा रहा है 18,000 टोटल लाभ होता है कितना महीना में, 12 महीना में टोटल लाभ हो रहा है 18,000। तो सबसे पहला काम हम यहां से रेशियो मालूम कर लेते हैं लाभांश का, 4 जीरो से यहां 4 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2 चौका 8, यहां 5 बचा, यहां कितना बचा, 4, यानी सरिता को अगर 5 रुपया लाभ होगा तो नीता को 4 रुपया लाभ होगा। टोटल लाभ दोनों का अनुपात में 9, टोटल लाभ दोनों का अनुपात में 9, और संख्या में वही लाभ कितना है, 18,000 है, 9 दूनी 18,000, अनुपात 1 का मान 2,000। जब सब में अलग अलग गुना कीजिएगा तो सबका अलग अलग लाभांश मिलेगा, लेकिन हमें निकालना है यहाँ पे सरिता का भाग, तो 5 गुनी 2,000 अर्थात 10,000 लाभ हो गया किसका, सरिता का, जो कि विकल्प डी में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए लिखने के बाद। मुझे उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को ये चैप्टर इजी लग रहा होगा, अनुपात अगर क्लियर है तो चैप्टर आपके लिए इजी है, क्योंकि अनुपात एवं समानुपात में हम आपको बताएं कि आगे का जो भी पार्ट हम पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड रहेगा। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे रिलेटेड उससे है। तो क्वेश्चन नंबर कितना तक कर चुके हैं, 7 तक कर चुके हैं, आइए 8वां प्रश्न हम लोग लेते हैं। एक एक प्रश्न को हम बोर्ड पे इसलिए हल करते हैं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर होंगे, जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कमजोर हैं, समझ में उसको थोड़ा जल्दी नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे इसलिए करते हैं ताकि उसको भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आपसे बन रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा करके भी आगे देख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आपसे भी नहीं बन पा रहा है तो आप सोल्यूशन को देखिए, और जिससे नहीं बन रहा है वो सोल्यूशन को देख करके अच्छी तरह समझने का कोशिश कीजिए। तो हमको तो सबको साथ लेकर के चलना है, जो अच्छी तरह से समझ रहा है उसके लिए बेहतर है, उसके लिए तो कोई खराब का बात है नहीं, लेकिन जो नहीं समझ पा रहा है उसके लिए ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसके लिए सीखने का मौका और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को हम बोर्ड पे करते हैं, आप लोग बना लीजिए, बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सोल्यूशन को मिलाइए, कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है। आइए 8वां क्वेश्चन लेते हैं। तीनों मित्रों पी क्यू तथा आर ने मिलकर के एक व्यापार आरंभ किया, तीन व्यक्ति है पी क्यू और आर, तीनों ने जो व्यापार शुरू किया और वो पूंजी लगाया कितना कितना, ये लगाया 45,000, क्यू लगाया 70,000,
और आर लगाया 90,000, ये तीनों का पूंजी है। आगे कहा कि 2 वर्ष के अंत में टोटल लाभ जो होता है 1,64,000। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 1,64,000। ये है 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष के अंत में जो टोटल लाभ हुआ तीनों का इतना रुपया हुआ। तो इसमें से कह रहा है कि क्यू का लाभ बताइए कितना होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। 2 साल तक सबका व्यापार में पूंजी लगा रहा, इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, इसका भी 2 साल, तो सब में 2 कॉमन आएगा। सब में 2 अगर कॉमन आएगा, क्योंकि ये पूंजी है और ये समय है, पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात होता है यही होता है लाभांश का अनुपात। तो हम बता चुके हैं कि जब भी समय अगर सेम कॉमन आ जाए सब में, तो समय को क्या करना है? हटा देना है, क्योंकि कॉमन फैक्टर जो भी होता है अनुपात में उसको क्या करते हैं? हटा देते हैं अनुपात के नियम से। तो यहां से 3-0, 3-0, यहां भी 3-0 कट गया। 9 पचे 45, 14 पचे 70, 18 पचे 90। ये जो होगा ये किस चीज का होगा? लाभांश का अनुपात। अगर P को 9 रुपया लाभ होगा तो Q को 14 रुपया लाभ होगा, R को 18 रुपया लाभ होगा। तीनों का टोटल लाभ अगर हम आपसे पूछें तो आप यही कहोगे कि 14, 9, 23, 23, 18 कितना होगा? 23, 18, 8, 3, 11, 1, 2, 3, 4। टोटल लाभ अगर कहेंगे तो तीनों का टोटल लाभ हो गया अनुपात में 41, संख्या में इतना। तो कटेगा ये 41 चौका 164 पर 3-0, अनुपात 1 बराबर इतना। यहाँ पे कहा क्या कि क्यू का हिस्सा बताइए, तो 14 × 4,000, तो 14 चौका 56 पर 3-0, यही हो गया किसका हिस्सा? क्यू का हिस्सा। कोई डाउट समझने में? चलिए नवा क्वेश्चन पढ़िएगा। बार बार हम आप लोगों को ये नहीं बोलेंगे कि वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लीजिए, आप लोग खुद उसको हमेशा पॉज करके लिखते रहिए। चलिए नवा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निनाद, विकास तथा मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, निनाद मतलब N, विकास मतलब V, मानव मतलब M। 3 व्यक्ति है, व्यापार में साझेदारी है सब। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। निनाद जो है कुछ राशि का क्या क्या निवेश किया, मान लिए कि निनाद ने ₹1 लगाया, ठीक। 6 महीना के बाद विकास उससे दुगुना धन लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है। कि विकास क्या करता है कि 6 महीना के बाद निनाद से दुगुना धन लगाता है। निनाद अगर ₹1 लगाया तो इसका दुगुना कितना लगाया होगा? ₹2 विकास लगाया होगा। आगे फिर पढ़िए। इसके 8 महीना के बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाता है। मानव जो है विकास से 3 गुना धन लगाता है। विकास अगर ₹2 लगाया तो मानव उसे 3 गुना लगाएगा, अर्थात 3 × 2 = 6x लगाएगा। कौन? मानव। ये सबका हो गया पूंजी। तब का वर्ष के अंत में 45,000 के लाभ में से मानव का हिस्सा क्या होगा? टोटल लाभ कितना है? 45,000 है। और ये लाभ हमको बांटना कब है? वर्ष के अंत में, यानी 12 महीना के अंत में टोटल हमको कितना लाभ बांटना है? 45,000। तो यहां से हमको देखना है सबका अलग अलग समय कि तीनों का व्यापार में कितना कितना समय के लिए पूंजी लगा रहा। निनाद कितना महीना रहा, विकास कितना महीना रहा, मानव कितना महीना व्यापार में रहा। तो आइए फिर देखते हैं। निनाद जो है कुछ राशि से शुरुआत करता है, तो इसका मतलब निनाद 12 महीना रहता है व्यापार में। विकास क्या करता है? 6 महीना के बाद विकास व्यापार में शामिल होता है, तो ये मात्र 6 महीना के लिए ही व्यापार में रहता है, क्योंकि टोटल 12 महीना के अंत में लाभ बांटा जा रहा है, तो 6 महीना के बाद ही शामिल हुआ है, तो इसका मतलब कि ये 6 महीना व्यापार में रहेगा। मानव
8 महीना के बाद मानव शामिल होता है। 12 महीना में से 8 महीना के बाद मानव शामिल हुआ, तो इसका पूंजी रहा मात्र 4 महीना। तो यही हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात होगा, यही होगा लाभांश का अनुपात। तो यहां से हम रेशियो लिखते हैं, 6 दुनी ये तो 12x हो गया, 6 दुनी 12x, 6 चौका 24x। तो x सम में कॉमन फैक्टर है, हट जाए, यहां भी 12 12, यहां 12 दुनी 24, सम में 12 कॉमन फैक्टर था, यहां कुछ नहीं तो एक बचेगा, यहां भी कुछ नहीं तो एक बचेगा, यहां पे 2। अर्थात निनाद को अगर 1 रुपया लाभ हो रहा है तो विकास को भी 1 रुपया लाभ हो रहा है और मानव को 2 रुपया लाभ हो रहा है। अगर हम आपसे ये कहें कि तीनों का टोटल लाभ क्या होगा, तो तीनों का टोटल लाभ कहेंगे 1 1 2 2 2 4, तीनों का टोटल लाभ 1 1 2 2 4, अनुपात में 4 लेकिन संख्या में 45,000। अनुपात 4 बराबर 45,000, यहां से हम डिवाइड करते हैं, कितना बार कटेगा, 11 चौका 44, शेष बचेगा 1, 4 दुनी 8, शेष बचेगा 2, अनुपात 1 बराबर इतना आ गया। अब हमको पूछ रहा है यहाँ मानव का भाग क्या होगा, तो मानव वाला में गुना कर दीजिए, 2 × 11,250, 0 5 दुनी 10 की 0, बाकी 1 2 दुनी 4 1 5, 2 एकम 2 2 एकम 2, 22,500 होगा, किसी भी विकल्प में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आंसर ई होगा, विकल्प ई बना लीजिए, ठीक है। यह हो गया किसका, मानव का हिस्सा, ऑप्शन ई। कोई डाउट समझने में, कहीं डाउट हो तो फिर से देखिएगा। आते हैं हम 10वां क्वेश्चन पे, दसवां प्रश्न है, सीना मीना रीना, तीन व्यक्ति है, सीना मीना और रीना, इस तरह से नाम का शॉर्ट लेंगे। इसका व्यापार में जो पूंजी लगाया गया है वो इसका है 63,000, इसका है 56,000 और रीना का है 84,000, ये तीनों का पूंजी है। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया गया, निवेश के अनुपात में वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में का मतलब कि तीनों जो है साल साल भर व्यापार में रहा, ये भी एक साल, ये भी एक साल, ये भी एक साल, तो सब में साल भर कॉमन फैक्टर होगा, सब हटा देंगे, तो ये हो गया किसका रेशियो, लाभांश का रेशियो। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 7 सम में कॉमन फैक्टर है, 8 7 12 7 9 7 63, तो 9 अनुपात 8 अनुपात 12, ये हो गया लाभ का अनुपात। तीनों का टोटल लाभ 12 8 20 9 29, तीनों का टोटल लाभ अनुपात में 29, लेकिन तीनों का टोटल लाभ संख्या में दिया गया है 54,000। तीनों का टोटल लाभ दिया गया 54,000, तो देखिए क्या कटेगा 54 से, हमको तो लग रहा है कुछ मिस्टेक लग रहा है कि ये 63,000 है, ये 56,000 है और ये 84,000 है, तो 3 0 3 0 3 0 कट गया, 9 7 63 8 7 56 12 7 84, 9 8 17 12 29, तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है तो कुल अर्जित लाभ कितना है, यदि से ओ सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ये करें, यदि इस लाभ में रीना का भाग सिर्फ दिया हुआ है 54,000, रीना का भाग है 54,000, हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे, रीना का भाग अनुपात में कितना 12, रीना का भाग अनुपात में 12 और संख्या में 54,000, रीना का भाग अनुपात में 12 लेकिन संख्या में 54,000 है, तो देखिए क्या कटेगा, 4 3 12 18 3 54, 4 4 16 शेष बचेगा 2, अनुपात 1 बराबर
4500, तो तीनों का टोटल लाभ कितना था? अनुपात में 29, हमको तीनों का टोटल निकालना था, तो 4500 से गुना कर दीजिए। 29 गुना 45 कितना? 9 बचे 45 के 5, बाकी 4, 9 चौका 36, 5 दुना 10, 36, 4, 40, 10, 50, 50 के 0, बाकी 5, 4 दुनी 8, 5, 1 0, ये भी आएगा। तो 10 का आंसर हो गया विकल्प ए, ऑप्शन ए नंबर में मिल रहा है गुना करके, तो आंसर हो गया 10 का ए नंबर। कोई डाउट समझने में? कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऋणा का भाग था अनुपात में 12 संख्या में, ऋणा का भाग 54,000, तो यहाँ से अनुपात 1 का मान 4500 निकल गया। तो तीनों का टोटल लाभ पूछा, तो तीनों का टोटल लाभ 9, 8, 17, 12, 29, इस 29 से अनुपात 1 का मान से गुना कर देंगे, तो तीनों का टोटल लाभ हमें क्या हो गया? मालूम हो गया। चलिए 11 नंबर का प्रश्न हम लोग लिखेंगे। अमन ने 40,000 लगा करके व्यापार शुरू करता है। अमन कितना रुपया लगाया? 40,000। आगे फिर कहा कि 6 महीना के बाद सामंत 60,000 लगाता है। सामंत जो है 60,000 व्यापार में पूंजी लगाया। उसके 3 महीना के बाद रचित 50,000 लगा करके साझेदारी हो गया। रचित कितना लगाता है? 50,000। तो कहा गया कि 2 वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 2 वर्ष का मतलब 24 माह। 2 वर्ष का मतलब कितना महीना? 24 महीना। अब इसी 24 महीना में हम देखेंगे कि तीनों कितना कितना समय के लिए व्यापार में शामिल रहा। अमन चूंकि व्यापार को शुरू करता है, तो ये शुरू से लेकर अंत तक रहता है, अर्थात ये 24 महीना रहता है, ठीक है। फिर सामंत जो है 6 महीना के बाद व्यापार में शामिल होता है, तो 24 महीना में से 6 महीना के बाद ये शामिल हुआ था, तो रहा कितना महीना व्यापार में? 18 महीना। ये रचित, रचित जो है इसके 3 महीना के बाद, 6 महीना बाद व्यापार में सामंत शामिल हुआ था, और इसके 3 महीना के बाद, यानी कि जब सामंत शामिल हुआ था उसके 3 महीना के बाद रचित शामिल हुआ है, तो 6 महीना ही या 3 महीना, ये तो टोटल हो गया 9 महीना। यानी कि रचित जो है कुल मिलाकर के शुरू से लेकर के 9 महीना के बाद शामिल हुआ था, तो ये मात्र 15 महीना व्यापार में रहा। 9 महीना के बाद रचित शामिल हुआ, ये 15 महीना ही व्यापार में रहा है। तो यही हो गया पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात, जो होगा लाभांश का अनुपात। इसको शॉर्ट कर लीजिए, आंसर आएगा 4 0, यहां भी है 4 0, यहां कॉमन फैक्टर हट जाएगा, देखते हैं और कटेगा। 5 3 15, 2 3 6, 8 3 24, 8 4 32, 18 2 36, 25 25 32 36 25, यही हो गया लाभांश का अनुपात। 32 36 25, देखिए कौन सा विकल्प लगता है हमें, विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, विकल्प डी में मिल रहा है, इनमें से कोई 32 36 25, ये सीरियल मिलना जरूरी है। ये उल्टा पुल्टा रहे आंसर मिला दीजिए ऐसा जरूरी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये जिस क्रम में है उसी क्रम में ऑप्शन में भी मिलना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, ऑप्शन बी और सी उल्टा पुल्टा लिखा हुआ, ये नहीं होगा आंसर, विकल्प डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 नंबर का प्रश्न पढ़िए। तीन साझेदार है ए बी तथा सी, मिलकर के व्यापार शुरू करता है, 50,000 व्यापार में लगाता है। तीनों व्यक्ति मिलकर के
50,000 निवेश किया, यदि ए ने बी से 4,000 अधिक और बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया हो तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में ए को कितना धन मिलेगा। यहाँ पर जो है पूंजी तीनों का अलग अलग नहीं दिया गया है, यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तीन साझेदार है और वो है साझेदार ए बी सी, तीनों मिलकर के खर्च कितना किया 50,000। तीनों मिलकर खर्च कितना कर रहा है 50,000। सबसे पहला काम हमें ये मालूम करना होगा कि तीनों का अलग अलग पूंजी कितना है। हमें अलग अलग पूंजी मालूम हो जाएगा तो पूंजी और समय का गुणनफल निकालना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम पूंजी को अलग अलग कीजिए सबका। तो पहला सेंटेंस ये पता चला। अगला सेंटेंस कह रहा है यदि ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया, ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया, ए बी से 4,000 अधिक लगाता है, इससे 4,000 अधिक लगाया ए, अर्थात दोनों के पूंजी का अंतर कितना है 4,000 का है। कोई डाउट? आगे फिर पढ़ते हैं। बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया है, यहाँ पे बगल में हम लिखते हैं कि बी ने सी से कितना अधिक लगाया है 5,000, यानी कि बी और सी के द्वारा जो पूंजी लगाया गया है उसके पूंजी में अंतर कितना का है, तो 5,000 का अंतर है। कोई डाउट समझने में? तो वर्ष के अंत में 35,000 के टोटल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। टोटल लाभ कितना हो रहा है वर्ष के अंत में 35,000, और ये लाभ हो रहा है कब, 12 माह के अंत में। चलिए हल करते हैं समीकरण को, और ए बी सी तीनों का अलग अलग पूंजी हम निकाल लेते हैं। बी से बी कट जाएगा, ए ए 2A+C बराबर 54,000। कोई डाउट? 50,000 प्लस 4,000 54,000, और बी घटाओ सी रखिए यहां पर कितना 5,000, तो सी सी कट जाएगा प्लस माइनस में 2A, अब प्लस बी 54,500 59,000। कोई डाउट नहीं? तो अब क्या करना होगा, यहां से ए माइनस बी फिर रख देते हैं। ए माइनस बी कितना 4,000 है, तो बी भी कट जाएगा, 3A=59,400, 63,000, 21 या 63, यानी कि ए कितना खर्च कर रहा है 21,000 रुपया, तो बी कितना करता होगा, बी ए से 4,000 कम करता होगा यानी 17,000 करता होगा खर्च। समीकरण में रख करके हल कर लेंगे, यानी ए और बी में 4,000 का अंतर है। अब अगर बी 17,000 लगा रहा है तो सी कितना लगा रहा है, इधर आके घटेगा 12,000, सी कितना आएगा 12,000। तीनों का पूंजी हम लोगों ने मालूम कर लिया, ए बी सी 12,000, 17,000, 21,000, तो तीनों के पूंजी का अनुपात कितना ए बी और सी, ये हो गया 21,000, ये हो गया कितना 17,000, और सी हो गया 12,000। तो यहाँ आगे फिर कहा साल भर के अंत में तीनों का चर्चा हो रहा है, तो साल भर सब में क्या होगा, इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, इसमें भी गुना, तो सब में एक एक कॉमन फैक्टर ही रह जाएगा, तो कट के हट ही जाएगा, 3 3 0 यहाँ भी, 3 0 यहाँ भी, यानी 21 17 12, 7 1 8 2 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 4 1 5, तीनों का टोटल लाभ अनुपात में 50 और संख्या में 35,000। तो यहां से निकल जाएगा अनुपात 1 का मान 5 7 35, अनुपात 1 बराबर 700। यहां हमें निकालना बी का नहीं, बी का नहीं, यहाँ पे हमें निकालना है किसका, ए का लाभ क्या होगा, 21 7 7 1 कम 7 2 14, 14,700, यही आंसर होगा किसका,
ए का, ऑप्शन डी मिल रहा है, तो 12 का आंसर हो गया क्या जी, ऑप्शन डी। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक, पार्टनरशिप शुरुआत है आप लोगों का, तो मात्र 12 क्वेश्चन आज हम लोग रखेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, मात्र 30 क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, और पार्ट बी में भी आपको मिलेगा क्वेश्चन की संख्या 17, क्वेश्चन की संख्या ठीक ठाक है। तब तक आप लोगों का काम यही रहेगा कि ये 12 तक के क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, और इसको अपने मन से एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, रिवीजन कीजिए। देखिए आपसे कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और फिर से इसको आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।